नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी इसका फर्स्ट चरण का एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होगा कि उनके कितने नंबर स्क्रीन पर शो हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनली कट ऑफ बता दी जाए, यानी कि फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट दोनों की कट ऑफ बताई जाए, और आपको ये जानकारी हो सके कि आपको फिजिकल में कितनी मेहनत करनी है और कितनी नहीं करनी है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के रिटेन में ठीक ठाक नंबर आ गए होंगे उनको तो फिजिकल में कम मेहनत से काम चल जाएगा, लेकिन जिनके कट ऑफ टेस्ट कह सकते हैं रिटेन में थोड़ा ही बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो उनको फिर फिजिकल में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर आप रिटेन में कम नंबर लेके आए हो, फिजिकल में भी कम है, तो फाइनल में आप बाहर हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आए और फिजिकल में थोड़े बहुत भी उन्होंने नंबर मार दिए, तो वो तो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रिटर्न में कितने नंबर लेके आए हैं और आपको फिजिकल में कितने और नंबर लेके आने होंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। चाहे आप EWS कैंडिडेट हों, चाहे आप OBC हों, SC हों, ST हों या जनरल कैंडिडेट हों, मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी में 4 कट ऑफ बताऊँगा। मतलब एक कट ऑफ बिल्कुल प्रूफ होगी, 4 आपकी संभावित नंबर के अनुसार बताऊंगा। अगर आप उन कट ऑफ में सम्मिलित हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको फिजिकल के लिए कितनी मेहनत और भी करनी है। तो मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा, मैं अपने नोटबुक में देख के बताऊंगा, लेकिन वो कट ऑफ आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जनरल की कट ऑफ में मैंने 5 स्लॉट में बांटा हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स को 1 स्लॉट में, फिर बॉयज़ और गर्ल्स को 2 स्लॉट में, और फिर ऐसे ही करके 5 स्लॉट में बांटा हुआ है। और उनके ऊपर लिखा है रिटन प्लस फिजिकल बराबर फाइनल मेरिट, यानी कि जनरल की फाइनल मेरिट अगर बॉयज़ की बात करें तो 145 जाएगी, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी जनरल की कट ऑफ जो बनेगी 140 आउट ऑफ 200 में से बनेगी। तो बॉयज़ में अगर रिटन में आपने 66 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपको फिजिकल में 79 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में 145 नंबर लेके क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात करेंगे, तो अगर आपने 60 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपको फिजिकल में 80 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप 140 नंबर लेके फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। स्लॉट नंबर 2 की बात करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स में, बॉयज़ ने अगर 70 नंबर प्राप्त किए हैं रिटन में, तो फिर उनको फिजिकल में 75 नंबर लाने होंगे, तब उनका जो फाइनल मेरिट बनेगी 145 की बन पाएगी। और गर्ल्स ने अगर रिटन में 70 नंबर प्राप्त किए हैं, तो फिर उनको फिजिकल में भी थोड़ी बहुत जद्दोजहद करके 70 नंबर ही लाने होंगे, तब उनकी 140 नंबर बनेंगे, जो कि 200 नंबर में से उनको क्वालिफाई करने होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट है। तीसरे स्लॉट की बात करेंगे, अगर बॉयज़ ने 73 नंबर रिटन में पास किए हैं, तो फिर उनको फिजिकल में 68 नंबर और लाने होंगे, तब वो फाइनल मेरिट लिस्ट में 145 नंबर लेकर पहुँचेंगे। गर्ल्स की बात करेंगे, अगर उन्हें 67 नंबर रिटन में पास किए हैं, तो फिर उनको फिजिकल में 73 नंबर लेके आने होंगे, तब उनका 140 स्कोर फाइनल के लिए हो पाएगा। स्लॉट नंबर 4 की बात करेंगे, बॉयज़ ने अगर रिटन में 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो फिर उनको फिजिकल में 65 नंबर, यानी कि थोड़ी राहत की सांस यहाँ मिल सकती है फिजिकल में, अगर रिटन में उन्होंने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो फिजिकल में आप 65 नंबर ला के 145 फाइनल मेरिट लिस्ट पहुँच सकते हैं। गर्ल्स ने अगर रिटन में 75 नंबर प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ राहत की सांस मिल सकती है, 65 नंबर लाकर फिजिकल में 140 नंबर की कट ऑफ में आप सम्मिलित हो सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। स्लॉट नंबर 5 की बात करेंगे जनरल के लिए, अगर जनरल कैंडिडेट में बॉयज़ ने 85 नंबर प्राप्त किए रिटन में, तो उनको फिजिकल में सिर्फ 60 नंबर की आवश्यकता है, और वो 145 नंबर लाकर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और गर्ल्स की बात करेंगे, अगर उन्होंने रिटन में 80 नंबर प्राप्त किए, तो फिजिकल में उनको 60 नंबर लाने ही होंगे, तो उनकी कट ऑफ 140 बनेगी। इस प्रकार अगर आप देखें, जनरल में बॉयज़ की कट ऑफ 145 और आप जनरल में अगर गर्ल्स की कट ऑफ देखें, तो 140 बनती है 200 में से। इस प्रकार अगर आपके नंबर रिटन में इन कैटेगरी में हैं, तो आप यहां से चूज़ कर सकते हैं कि फिजिकल में आपको कितने नंबर और लाने होंगे, उसी प्रकार से आप अपनी मेहनत को और बरकरार रख सकते हैं। अब बात करेंगे SC कैटेगरी की। आपकी स्क्रीन पर 4 स्लॉट दिख रहे होंगे SC कैटेगरी के। बॉयज़ में अगर आपने रिटन में 60 नंबर प्राप्त किए हुए हैं, तो फिजिकल में आपको 75 नंबर लाने होंगे, तब आप 135 जो बॉयज़ की कट ऑफ लगेगी SC में फाइनल, वो 135 लगेगी। गर्ल्स की अगर SC की बात करें, फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी, तो 127 लगेगी। अगर गर्ल्स ने रिटन में 55 नंबर प्राप्त किए, तो उनको फिजिकल के लिए 72 नंबर और लाने होंगे, तब वो फाइनल मेरिट में सिलेक्शन ले सकते हैं। बॉयज़ में स्लॉट नंबर 2 की बात करेंगे, बॉयज़ ने अगर 63 नंबर प्राप्त किए हैं रिटन में,
तो फिर उनको फिजिकल में 72 नंबर लाने होंगे, तब वो फाइनल सिलेक्शन 135 पर ले सकते हैं। वहीं स्लॉट नंबर 2 में अगर गर्ल्स ने रिटर्न में 57 नंबर प्राप्त किए हैं तो फिजिकल में उनको 70 नंबर लाने ही होंगे, इस प्रकार वो 127 नंबर लेकर ही फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और बाकी के 2 स्लॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनमें भी आप अपने नंबर देख सकते हैं। अब बात करेंगे एसटी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट की अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें तो बॉयज़ की 132 लगेगी 200 में से, और गर्ल्स की अगर फाइनल मेरिट की बात करेंगे तो 200 में से 125 नंबर की कट ऑफ लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रिटन एग्ज़ाम में एसटी कैंडिडेट ने बॉयज़ कैंडिडेट जो भी हैं 58 नंबर प्राप्त किए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उनको 74 नंबर लाने ही होंगे फिजिकल में, तभी वो 132 नंबर लेकर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं गर्ल्स की बात करें, अगर रिटर्न में उन्होंने 55 नंबर प्राप्त किए हैं तो फिर उनको फिजिकल में 70 नंबर लाने ही होंगे, तब वो फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं 125 नंबर पर। इसी प्रकार आप 3 स्लॉट को और फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे कितने नंबर, अगर आपके रिटर्न में इतने नंबर बने हैं तो फिजिकल में आपको कितनी मेहनत करनी है ताकि आप फाइनल मेरिट तक पहुँच सकते हैं। अब बात करेंगे EWS कैंडिडेट की, EWS की फाइनल मेरिट लिस्ट बॉयज़ की अगर देखें तो 140 बनेगी 200 में से, और गर्ल्स की अगर देखें तो 134 नंबर रहेगी। अब आप बोल रहे हो कि 140 नंबर कैसे हो सकती है EWS की बॉयज़ की, आप सब जानते हैं कि EWS के लिए हर वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो EWS से ही फॉर्म को फिलअप करता है, तो जाहिर सी बात है कि EWS की कट ऑफ 4 या 5 नंबर ही जनरल से कम रह सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं जा सकती है। तो अगर आपने बॉयज़ कैंडिडेट हैं EWS के रिटर्न में अगर आपने 66 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको फिजिकल में 74 नंबर लाकर 140 नंबर फाइनल कट ऑफ में जाना होगा, और अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं और आपने रिटर्न में 60 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको फिजिकल में 74 नंबर लेके 134 मेरिट लिस्ट फाइनल में EWS की में सिलेक्शन लेना ही होगा। 2 स्लॉट आप और देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, उनमें अगर आपने रिटर्न में कितने नंबर प्राप्त किए हैं तो आप 134 और 140 फाइनल जो कट ऑफ है EWS की, उसके हिसाब से आप फिजिकल में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर आपको कंपलसरी है, अगर आपने रिटर्न में ये नंबर प्राप्त किए हैं तो फिर आपको फिजिकल में जद्दोजहद करके ये नंबर लाने ही होंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट इससे कम नहीं जा सकती, फाइनल मेरिट बढ़ ही सकती है। अब बात करते हैं OBC कैंडिडेट की, OBC कैंडिडेट में अगर आप बात करें बॉयज़ की फाइनल मेरिट बनेगी वो भी 140 बनेगी, और गर्ल्स की 135 बनेगी, क्योंकि अभी तक आप देखें तो OBC और जनरल में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिलता है कट ऑफ का, क्योंकि सेम ही कट ऑफ रहती है, कभी कभी OBC की MP में कट ऑफ ज़्यादा और चली जाती है। तो अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं OBC से और रिटर्न में आपने अगर 67 नंबर प्राप्त किए तो फिजिकल में आपको 73 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप फाइनल मेरिट में 140 नंबर लेकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं OBC से और आपने रिटर्न में 63 नंबर प्राप्त किए तो फिर आपको फिजिकल में 72 नंबर लाने होंगे, तभी 135 नंबर लेकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर और भी 3 स्लॉट दिख रहे होंगे जिनमें आप अपने नंबर रिटर्न में देख सकते हैं, अगर इस प्रकार आपके रिटर्न में नंबर हैं तो आपको फिजिकल में और मेहनत करनी होगी, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में मैंने 5 कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ बताई है, अगर आपके रिटर्न में इन कैटेगरी से नंबर मिल रहे हैं तो आपको फिजिकल में उसी अनुसार मेहनत करनी है, अगर रिटर्न में आपने अच्छे खासे नंबर अर्जित किए हुए हैं तो फिजिकल में कम मेहनत पर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर रिटर्न में ठीक उसी प्रकार नंबर आए जैसे कि मेरिट बनी है और उससे 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो फिर आपको फिजिकल में हार्ड मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिजिकल ही अब आपके पास बचा है जहाँ से ज़्यादा नंबर लेकर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो देखने की अपेक्षा आप अपने फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि अगर 10 अक्टूबर तक ये रिजल्ट आता है तो फिजिकल के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती मिशन मोड के अंतर्गत फिनिश की जाएगी, तो हो सकता है कि आपको लगभग 40 दिन ही फिजिकल के लिए दिए जाएं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और इसी संशय में जी रहे हैं कि पता नहीं रिटर्न में मेरा नाम अनाउंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि 2-4 नंबर इर्द गिर्द हैं और लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए।